फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज मैं अपने वीडियो के शुरुआत इन सुंदर सुंदर रोज़ फ्लावर से कर रही हूँ, जो कि देसी रोज़ है और पिंक कलर का है, डार्क पिंक। और देखिए कितना सुंदर इसमें फ्लावरिंग हुआ है। और ये मेरे घर के पीछे लगे हुए हैं और देखिए इनकी कितनी लंबी लंबी ब्रांच है। और ये मात्र एक साल पुराना पौधा है, एक साल पहले ये लगा हुआ है। ये काफ़ी पहले मेरी माँ लगाई थी और उसी का कटिंग है, जगह जगह लगे हुए हैं। कम से कम इनका 10 से 15 प्लांट रेडी हो गया है और सब में इसी तरह का फ्लावरिंग होता है। और इतना ज़्यादा होता है फ्लावर, इतना ज़्यादा फ्लावर खिलता है, घर तो घर, पूरा मोहल्ले इन फूलों से पूजा करता है। और देखिए कितना अच्छा फ्लावरिंग हुआ है इसमें। और ये थोड़ा सा इसका प्लांट गंदा इसलिए लग रहा है कि इसके बगल में गाय और बछड़ा बांधा हुआ है, जो कि काफ़ी गंदा कर देते हैं इनको, देखिए। और बहुत ही अच्छा लगता है ये फूल। और पूरा एक एक डलिया डेली तोड़ा जाता है। और देखिए कितना अच्छा फ्लावरिंग हुआ है। स्पेंट फ्लावर है ये, दो तीन दिन पुराना, क्योंकि इतना ज़्यादा फ्लावरिंग होता है कि पूरा भर जाता है प्लांट। और अभी भी काफ़ी फ्लावरिंग हुए हैं, देखिए। ये सब स्पेंट फ्लावर हैं। अगर इनकी स्पेंट फ्लावर को तोड़ दिया जाए तो और इनमें अच्छी सी ब्रांच आएगी। और देखिए कलियां भरपूर है पूरे, और कितना अच्छा अच्छा लीव्स इसमें आए हुए हैं, देखिए। और ये डेली तोड़ने के बाद का ये फ्लावर है। इतना ज़्यादा होता है फ्लावरिंग इसमें, इतना ज़्यादा होता है कि आप देख सकते हैं। और देखिए कितने लंबे होते गए हैं ये। और ये गमले के प्लांट से बिल्कुल अलग हैं। गमले में हम कितना केयर करते हैं, फिर भी हमारा पौधा ज़्यादा ग्रोथ में नहीं होता है। और ये देखिए पूरा इतना ज़्यादा ग्रोथ है इसमें कि इसको कोई केयर करने की ज़रूरत ही नहीं है। ना कभी इसमें सावरिंग होती है, ना कभी स्प्रे होता है, और ना कोई फर्टिलाइज़र डाला जाता है। गाँव में बिल्कुल अपने घर में जो कंपोस्ट बनाते हैं उसी में लगाते हैं पौधे, और सिर्फ पानी डालते हैं लोग। और देखिए इनकी फ्लावर, कितना खूबसूरत फ्लावर है, आप देख सकते हैं। कितना ज़्यादा फ्लावरिंग हुई है, ऐसे ही सारे प्लांट में हुए हैं। और मैं एक प्लांट का भी ले रही हूँ वीडियो। और देखिए कितने स्पेंट फ्लावर है इसमें, क्योंकि इसकी कोई केयर ही नहीं है। बिल्कुल ये अपने से खिलते हैं और अपने से टूट के गिर जाते हैं, बस पूजा के लिए लोग तोड़ते हैं। और बहुत अच्छा लगता है, पूरा गांव इससे पूजा करता है। इसका 10-15 प्लांट है मेरे घर। और ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। फ्रेंड्स, अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक यू।